सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल इन कस्टम मेनिया। सो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और सारे भाई फिट होंगे। सो जैसे कि टाइटल थंबनेल आपने देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम अपनी सीट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि ऑल्टो की जो स्टॉक सीट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सीट्स हैं ऑल्टो की बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती हैं। हालांकि इसमें हमने कुछ नहीं करा रखी आफ्टर मार्केट, बट स्टिल उतना ज़्यादा इसमें कंफर्ट नहीं आ पाता है। तो अगर आप इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप में लेके जाते हैं तो ये जो सीट्स होती हैं कहीं ना कहीं पर आपको प्रॉब्लम देती हैं। आपको कंफर्टेबल ड्राइव जो होती है वो नहीं मिल पाती है गाड़ी के अंदर। काफ़ी सारे भाइयों की रिक्वेस्ट भी आती थी, भाई इसके ऊपर कोई सोल्यूशन ला के दीजिए, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं। स्पेशली जो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये वाला सपोर्ट जो है बिल्कुल नहीं होता, और नेक तो इसमें भाई बिल्कुल खत्म है, क्योंकि इसमें जो है हेडरेस्ट है बिल्कुल चिपका हुआ दिखता है, इसमें सेपरेट वाला नहीं दिखता, तो वो इशू रहता है। अगर इसमें शायद से अलग वाला होता तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे हमारी पुरानी वाली ऑल्टो आती थी ना, उसमें सब ही अलग अलग होता था, बट इसमें जो है एकदम कंबाइन कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम करता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है हमारे पास, आज की इस वीडियो में आपके साथ सब शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए एक बार मैं आपको पीछे वाली सीट्स भी दिखाता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सेम पीछे वाली सीट्स हैं, बट पीछे उतना नहीं करने वाला, पीछे किसी और वीडियो में कवर करेंगे, फिलहाल अभी फ्रंट की सीटों के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले इसमें जो है कुशनिंग करा रखी है, जब सीट कवर अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करें तो यहाँ नीचे जैसे आप देख सकते हैं, ये इसका थाई सपोर्ट हमने थोड़ा सा बढ़ा रखा है, वरना अल्टो का इतने में ही निपट जाता है, बट ये थोड़ा सा हमने आगे कर रखा है। और यहाँ पर इसका जो लैम्बर सपोर्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेकार है भाई, कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप स्पेशली गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव में ले जाते हैं, जैसे कि हम लोग गए थे लास्ट टाइम मनाली और शिमला, उस टाइम पर इस गाड़ी में पता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो चला रहा था उसको प्रॉब्लम आ रही थी, कंफर्टेबल गाड़ी नहीं हो रही थी। तो ये जो चीज़ थी मेरे साथ पहले ही होती थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो फाइनली आज के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। मैंने ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर कराया, अगर आपको लेना होगा आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट को हम कब यूज़ करेंगे, तो देखो जब अपन लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाएंगे ना गाड़ी, अभी हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आगे जाने का, तब इसको यूज़ करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा गाड़ी में कैसे फिट होता है और कैसा लगता है। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, चाहे आपके पास ऑल्टो हो, कोई भी गाड़ी हो, सब में फिट होगा, किसी में कोई गाड़ी में इशू नहीं आएगा। प्राइसिंग इसकी रहती है गाइस 799 से लेकर 1200 के बीच में, कभी कभी प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्या पता डील अच्छी चल रही हो। स्टिल एक इसका जो एवरेज प्राइस है वो 900 के आसपास रहता है, तो आप इसको ले सकते हैं। बट बिलीव मी गाइस, अगर 900 आप स्पेंड कर रहे हैं ना, तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार जाएंगे पैसे। जैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपको बिल्कुल वैसा ही इसमें रिजल्ट भी मिलेगा। तो अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो गाइज ये वाला जो पार्ट है ना अपना, ये पूरा लैम्बर सपोर्ट का है, और अपनी सीट में ऐसे करके यहाँ पे फिट होगा, पूरा कंफर्टेबल लगने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा इसमें लग रहा है, अभी तो इसमें पूरी प्लास्टिक चढ़ा है, सब निकाल देंगे हम, और उसके बाद इसकी आवाज़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पीछे आप इसको कैसे फिट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बेल्ट मिल जाएंगे आपको, तो मतलब कोई भी गाड़ी में फिट हो जाएगा, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, आराम से फिट होगा। वैसे भी अल्टो की जो सीट्स है ना थोड़ी नैरो रहती हैं, काफ़ी मैंने और गाड़ियाँ देखी, उनकी सीट्स काफ़ी ब्रॉड होती हैं, तो ये उनमें ही फिट होगा बहुत अच्छी। इसमें मतलब लेंथ वाली बेल्ट मिल जाती है, प्लस इसमें इलास्टिक होता है, तो आराम से फिट हो जाएगी। तो इसे भी हम ऐसे लगाने वाले हैं। अब अपना जो लैम्बर सपोर्ट है वो तो अच्छा खासा मिल गया है, अब अपने को चाहिए इसमें जो है नेक रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ना पता क्या होता है, अगर इसमें सेपरेट होता तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते थे, बट इसमें एक साथ चिपका हुआ है तो ये इशू करता है। तो इसके लिए हम गाइज इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं ये हेड रेस्ट। तो ये हेड रेस्ट भी गाइज इसके साथ ही आया है, पीछे इसमें भी बेल्ट मिलती है आपको, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल ये गाड़ी को लुक देने वाला है। ठीक है, ये सस्ते वाले नहीं है, जो आपने देखा होगा ना 200 के आसपास आ जाते हैं वो पेयर, वो बेकार होते हैं, वो नहीं है ये असली में जो है ना प्रीमियम क्वालिटी कह सकते हैं आप इसको। जैसे कि आप देखेंगे ना इसको, आई मीन इसकी पूरी जो फिल्म है प्लास्टिक है सब हटा दूंगा, फिर आप देखना इसको। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम इसको फिट करते हैं अपनी गाड़ी में, और मैं फिर आपको फर्क दिखाता हूँ कितना ज़्यादा फर्क आता है गाड़ी चलाने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ हमें मटेरियल देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा कुशनी है। पीछे भी यहाँ पे आपको इसके स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, जब आप इसको फिट करेंगे गाड़ी की सीट्स में तो आराम से फिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ ये खुल जाते हैं। अगर हम अपने हेडरेस की बात करें तो हेडरेस में यहाँ पे ऐसा तो नहीं मिलता है, बट हाँ एक जो आप कह सकते हैं ना स्ट्रिप मिल जाती है पूरी अच्छे से, और इसके अंदर यहाँ पे चेन सिस्टम भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कुशन मिलता है, वैसे भी हेल्थ पर्पज़ में भी ज़्यादा यूज़ आता है, जो ना अगर आप चाहो तो इसको अपनी ऑफिस चेयर में भी इंस्टॉल कर सकते हो, अपने जो आप घर में नॉर्मल चेयर्स होती हैं उसमें भी फिट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें दोनों सपोर्ट मिल जाते हैं। अब इसे अपनी गाड़ी में फिट करते हैं एक बार। We'll be right back.
जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे से अच्छे से अपने पूरा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, और जो पूरा अच्छे से हेडड्रेस भी अपने को पूरा फुल सपोर्टिव मिल रहा है यहाँ पे। पीछे की सीटिंग भी काफी अच्छी हो गई गाड़ी की, गाड़ी चलाते टाइम काफी कंफर्टेबल आपको लगेगा अब इसको लगाने के बाद। और अपनी गाड़ी में से भी आर्मरेस्ट वगैरह दो तीन चीजें लगी हुई हैं, जिससे ना गाड़ी के अंदर एक थोड़ा सा ना मतलब अल्टो वाली फील नहीं आती, थोड़ी बड़ी गाड़ी वाली फील आती है, सेम इसमें ऐसा ही हो रहा है। प्लीज एक बार ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आपको मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर फील कराएगा, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं। और इसकी जो हाइट है जो एडजस्टेबल है, अगर आप चाहो थोड़ा ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, क्योंकि ना पूरा इलास्टिक पे बंधा हुआ है। ऊपर वाला भी सेम है, अगर आप चाहो थोड़ा ऊपर कर सकते हो या फिर नीचे करना चाहो नीचे भी कर सकते हो, वो आपके हिसाब से रहता है आप कैसे इसको एडजस्ट करना चाहते हो। दिखने में थोड़ा सा सिंपल जरूर है, बट स्टिल मैं आपको पहले बता चुका हूँ सिंपल से फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो कंफर्टेबल है ना गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी कंफर्टेबल फील होने वाली है। और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि मेरे एक दोस्त ने इस चीज को पूरा इंस्टॉल करा था, उसकी गाड़ी जो थी वो होंडा अमेज थी, उसने बेज कलर में मंगाया था, जो क्रीम कलर आता ना उसमें लगा रखा था, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा अपनी अल्टो के लिए एक बार ट्राई करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में काफी सही लग रहा है, ऐसा नहीं है बहुत बेकार लग रहा है, स्टिल अच्छा लग रहा है यहाँ पे गाड़ी के अंदर, क्योंकि अपना इंटीरियर भी पूरा ब्लैक के अंदर ही डिजाइन करा है हमने, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही मिल रहा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।